सजना मैं तेरी हूं मैं तेरी हूं सजना मैं तेरी हूं। वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है वो। पापा सरकार, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हो सकता है कि फाइक ने जो इनकार किया है उसने अपनी अम्मी की वजह से किया हो। भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी नजरों को तुम धोखा नहीं दे सकते हो। बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया? झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। अंबर के मुतालिक हमेशा मुझसे झूठ बोलते आए हैं और आज भी आप सच नहीं कह रहे हैं। तुम सुनना क्या चाहती हो? हकीकत सुनना चाहती हूँ मैं, जो आज से पहले आपने मुझे कभी नहीं बताई। फाइक इस घर का होने वाला दामाद है, मिनल का होने वाला शौहर है। हम सिर्फ अपने मुफाद के लिए फाइक का कत्ल कैसे कर सकते हैं? नौरीन, तुम यहां काम कर रही हो, सारा ऊपर का काम फैलावा जाके देखो। हद होती है, और तुम जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपने, बहुत सुस्त हो गई हो। वजाहत वो जी बीबी जान, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे भाई सरकार आजकल इतना परेशान क्यों रहने लगे हैं? पता नहीं, मुझसे तो कुछ शेयर करते नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ आप परेशान ना हो। वैसे हैं कहाँ पे? अपने कमरे में है। ताय सरकार, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं फाइक को बुलाता हूं ना, बिठाकर बात करता हूं, समझाता हूं उसको। एक एक दफा बात करने में क्या हर्ज है? बलात्कार, इज्जत और गैरत की जहां बात आए वहां समझना समझाना नहीं होता, वही करना होता है जो मैं करना चाह रहा हूं। फाइक से बात करना बेकार है, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा, कुत्ते की दम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। यही हाल फाइक का है, बेचारा फाइक कल अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज देखेगा। ताया सरकार, बलाज, क्या हो गया तुम्हारी गैरत को? मुझे लगता है ये काम तुमसे नहीं होगा। क्या हुआ? सब खैरियत तो है भाई सरकार? अगर बालाज कहीं मसरूफ है तो ये काम मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं किए देता हूं। एक बार यकीन तो करके देखिए। तुम क्यों आए हो यहां भाई सरकार? ये जमीन का नक्शा कंप्लीट हो गया था तो यही बताने के लिए आया था। रख दो वहां। अच्छा हुआ आप आ गए, आपको ही कॉल कर रही थी मैं। हाँ याद है मुझे, समीर चाची को अस्पताल लेकर जाना है ना? हाँ। मगर अभी तो वक्त है, उनसे कहो कि तैयार हो जाएं फिर बता दें। मैं उन्हें बता के आती हूँ। रिया, मैं सोच रहा था कि तुम भी साथ चलो, हमारा भी घूमना फिरना हो जाएगा। आप हॉस्पिटल अम्मी को लेके जा रहे हो, कहीं घूमने नहीं जा रहे? फुल स्टार, तुम्हें तो मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं। अच्छा ठीक है, अभी आप हॉस्पिटल से हुए हैं, हम लोग फिर कभी घूमने चले जाएंगे। रोज रोज बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता, घर वाले क्या कहेंगे? पहले ये दोनों कहीं जाते ही नहीं थे और अब ये दोनों घर पे ही नहीं दिखते। ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी, मैं किसी भी वक्त कहीं भी लेके जाऊं, मेरी बीवी हो। आपकी बीवी
कहीं नहीं भाग रही। भाग गई तो वैसे भी किसके साथ भागोगी? तुम्हारा तो इस दुनिया में एक ही आशिक है कि नहीं? वो भी वेरी वेरी मच वाला यार। क्या सोच लगी? कुछ नहीं। चलो तो मेरे लिए चाय बना दो, मैं जरा मुंह धो लेता हूँ। कौन है? बाला सरकार आपको बड़े सरकार बुला रहे हैं। चलो तुम जाओ, मैं आता हूँ। जीता है सरकार, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। वो अफजल बता रहा था कि जमीनों पे कोई मसला आ रहा है, तुम जाके देखो लोग क्या मसला कर रहे हैं वहां। हाँ ठीक है ताया सरकार, मैं अफजल से बात करके देखता हूँ। बात करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद जाना होगा, बल्कि अभी जाओ। क्या हुआ, कोई मसला है? राय सरकार वो अभी मुझे अस्पताल लेकर जाना है, समरीन चाची को और मिनल को। अच्छा वो मैं वजाहत को कह दूंगा, वो ले जाएगा उनको, तुम जाओ। ठीक। हेलो, फोन अपने इधर ही छोड़ गए, कहाँ रह गए? देख के आती हूँ। ताईजान बालाज को कहीं देखे आपने? बालाज जमीनों पे गया है, मैंने भेजा है उसे। बगैर बताए कैसे चले गए? उन्होंने तो अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था। तुम ऐसा करो, फ्राइक को फोन करके बुला लो, बालाज को तो आने में बहुत देर लगेगी। भाई फ्राइक भी इस घर का दामाद है, उसके भी कुछ फराइज हैं, तुम उस पे जिम्मेदारी डालोगी तो उसे भी लगेगा जैसे वो हमारा है। तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो मैं बालाज को बुला लूं? नहीं नहीं मैं फाइक को कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फाइक। जी और ये बोलिए, आज आपने कैसे कॉल किए? वो अम्मी और मिनल को हॉस्पिटल लेके जाना था, आप आ सकते हैं क्या? नहीं कोई मसला नहीं है,
मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? आरएफ आए? जी ताजान, मैंने कॉल किया आरएफ। आप ठीक कह रही हैं आंटी, शुक्रिया। उरिया। जी अमीन। बेटा बिनल कहाँ है, बुलाओ उसे, देखो हमें दूर से ही आया है हमें लेने के लिए, उसकी अभी तक तैयारियां नहीं खत्म हो रही। मैं देखती हूँ अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अम्मी की रिपोर्ट से अम्मी की फाइल है। अम्मी चले। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग आ जाएं। आप कहाँ जा रहे हैं? आज को कुछ काम था, फाइक आपको और अम्मी को लेके जा रहे हैं। तो मैं फिर कहीं नहीं जा रही। मिनहल, मिनहल, क्या बदतमीजी है, किससे बात कर रही हो? मैंने कहा ना अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना है। जिस तरह बात करनी चाहिए उसी तरह कर रही। मिनहल, उरिया उकत रहे, मैं देख कर आती हूँ। रहने दीजिए उरिया, मिनल नहीं मानेगी, नाराज है मुझसे वो। क्यों? अच्छा खैर, आपने उसे मनाया क्यों नहीं? आपकी बहन बहुत जिद्दी है, मैंने काफी कोशिश की है, अगर वो जाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आप प्लीज उसे फोर्स मत कीजिएगा, अगर वो नाराज हो गई तो मेरे लिए ही मसला होगा, मैं आंटी को लेकर चला जाता हूँ। हाँ कह तो ठीक रहे हो, लेकिन इतनी आसानी से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाने नहीं देंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, तफसील से करेंगे। ओके। जी मलिक सरकार, वो लोग निकल गए हैं। फाइक बचना नहीं चाहिए। हेलो हेलो उरिया, समरीन चाची से कहो तैयार हो जाए, मैं बस पहुंच रहा हूँ। बालाज, अम्मी लोग तो निकल गए। चली गई? किसके साथ गई? फाइक के साथ। फाइक के साथ? हाँ, आपने तो कहा था ताजान से कि आप बिजी हैं तो मैं फाइक को कॉल करके बुला लूं। बेचारा फाइक कल अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज देखेगा। कब निकले वो लोग? अभी कुछ जल्दी बताओ रिया, कब निकले वो लोग? थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, क्या बात है? अरे कमाल है, सुनो काम आज ही हो जाना चाहिए, तुम अपनी पूरी तैयारी रखो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं साईं सरकार, आपको आज शाम तक खुशखबरी मिल जाएगी। और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझे?
आपको उससे पहले कभी शिकायत का मौका दिया है हमने? आज वो जिंदा नहीं बचेगा, आपका हुक्म सारा को। मलिक सरकार ये फाइल और पैसे रख दो। जल्दी 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 ये क्या है? ये क्या है? आप परेशान ना हो। हाँ। ये क्या हो रहा है? कौन है? हाँ जी आप ही। मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा। क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं कुछ बहुत अजीब सा लग रहा। मिनल अभी मैं कह रही हूँ ना आपसे मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे पता नहीं बहुत बुरा होने वाला है। कुछ आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? कब से मैं नोट कर रही हूँ, किन ख्यालों में गुम हो तुम? जाहिर है ग्लास तो टूटना था। मैं कह तो रही हूँ आपको मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे पता नहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ फाइक, कहाँ हो तुम लोग? ना समरीन आंटी को गोली लग गई है। मैं उन्हें लेकर डिफेंस हॉस्पिटल आया हूं। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। गोली लग गई। मैं तुम परेशान मत हो, बस पहुंच रहा हूं मैं। आप बस आ रहा भी। आप हंस रही हैं? फाइक से झगड़ा हुआ है ना, तभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, तभी कह रही थी। मान जाओ आप भी फाइक की वजह से परेशान नहीं हो, मुझे मम्मी की वजह से टेंशन हो रही है। तो तुम मम्मी के साथ क्यों नहीं गई? अब यहां बैठ के परेशान होने का फायदा? जब सब कह रहे थे चली जाती। ठीक कह रही हूँ, चले जाना चाहिए तो मुझे मम्मी के साथ, कम से कम ऐसे परेशान तो ना होती मैं उनके लिए। मिनल तुम भी ना बहुत ही अजीब हो। सब तुम्हें कह रहे थे मिनल चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी नाराजगी की ज्यादा फिक्र थी। अब बैठो रहो परेशान। बैठी क्या हो, जाओ जाके शबाना को बुलाओ, सफाई करें यहाँ की। सारा कांच बिखरा हुआ है। मैं उठा लेती हूँ, कोई बात नहीं।
आउट। क्या करती हो तुम, दिखाओ मुझे। फाइक, क्या हुआ? आज वो समरीन आंटी को गोली लग गई है। मैं उन्हें घर से लेके जैसे ही निकला था, बस कुछ ही देर बाद कुछ लोग आ गए मोबाइल स्नैचिंग के लिए। बस उसी, अब कहाँ है वो? इमरजेंसी वार्ड अंदर है। सरकार, बड़ा ही अफसोस हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि एक हादसे के बारे में मैं कैसे आपसे माजरत करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हमसे भी जरूर हुई है। मेरे इलाके में हुआ है। होनी को कौन टाल सकता है एसएचओ साहब? जो होना था हो गया। आप तो जानते हैं हमारे इलाके में हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। ये जो कुछ भी हुआ है, मुझे शक है, बल्कि यकीन है मेरा कि इसके पीछे हमारे मुखालफीन का हाथ है। कैसे ये लोग चंद रुपयों के एवज एक जान जाया कर देते हैं? आप ठीक कह रहे हैं सरकार, मगर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं इनके खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखें। आपके खानदान का खून यूं रायगा जाने नहीं दिया जाएगा। हर तरह से तफ्तीश होगी। एसएचओ साहब, मैंने अपने मुखालफीन को माफ कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं मजीद खून खराबा नहीं चाहता। आप जानते हैं एसएचओ साहब के हमने हमेशा अपने इलाके में अमन चाहा है। हमारी तमाम तर कोशिशें
امن کے لیے ہوتی ہے. میرے خاندان کا ایک خون یہاں کے لوگوں کے لیے ایک قربانی ہے, ان کی بھلائی کے لیے. لہذا میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا. سر آپ کی عظمت کو سلام. کیا سوچ ہے آپ کی؟ ایسے ہی تو لوگ نہیں پسند کرتے نا آپ کو. لوگ جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. سرکار آپ کا سایہ جب تک ہمارے سروں پر رہے گا اس علاقے کے امن کو کوئی بھی داغدار نہیں کر سکتا. کیا ٹھیک کہا ہے کسی نے, یہ دنیا آپ ہی جیسے اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے. سرکار میں اب اجازت چاہوں گا, میرے لائق کوئی بھی کام ہو تو ضرور بتائیے گا. آپ جیسے نیک لوگوں کے کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوگی. امی کا ہے, سنو امی کا ہے. منل منل کیا ہو گیا تمہیں؟ میں پوچھ رہی ہوں امی کا ہے. منل میں نے کہا تھا نا امی کو لے کے آئے گا, میں آپ لوگ مجھے اوپر لے آئے. امی وہاں پر انتظار کر رہی ہے ہمارا. نہیں ہے امی, سنبھالو خود کو. منل کو بلا کے لاؤ. امی وہ جا رہی ہے. امی منل کیا ہو گیا تمہیں؟ امی امی نہ بس کر دو. امی چلی جائیں گی. آپ ہی لوگ منل امی نہ بھائی آپ امی ہلو امی امی منل جا رہی ہے. آپ ہی رو گی نا, مجھے تو جانا ہے. آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے کمزور انسان ہیں. تھا ایسے کہا, یہ کمزوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آپ نے سمرین چاچی کا قتل کروا دیا. تالاچ, تم اچھی طرح جانتے ہو میرا نشانہ سمرین نہیں کوئی اور تھا. آپ کا غصہ فائق پر تھا تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فائق کا خون خون نہیں ہوتا؟ کیا وہ اس گھر کا ہونے والا داماد نہیں تھا؟ کیا اس کا قتل ظلم نہیں ہوتا؟ وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے سمرین چاچی کا قتل کروا لیا. قاتل ہیں آپ سمرین چاچی کے. ارادہ تو آپ ہی کا تھا اور آپ نے اس پہ اچھی طرح سے عمل بھی کیا. اس سب کے ذمہ دار صرف آپ رہتا ہے سرکار. قاتل ہیں آپ سمرین چاچی کے. بلاج 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 میرے ساتھ چلو. منل بے ہوش ہو گئی ہے, پلیز جلدی آؤ. بلاج جلدی آؤ پلیز. جو ہوا بہت برا ہوا. ان ظالموں کو کچھ چھیننا تھا چھین لیتے, لے لیتے, لیکن اس طرح مارتے تو نہیں, چاند سے ہی مار ڈالا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے بچے کو اپنی پناہ میں رکھنا ہمیشہ. وہ
फाइक, तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बेटा? इसी बात का तो अफसोस है माँ के, उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं मारा, मेरी वजह से समरीन आंटी की जान चली गई। काश कि मैंने उन लोगों के साथ मजाहमत ही नहीं की होती तो ये सब ना हुआ होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। नहीं फाई, ऐसे नहीं कहते बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, इनके दिल पत्थर के होते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, इन्हें खौफ खुदा नहीं होता बेटा। वहां समरीन आंटी मेरे साथ गई थी और मैं ही उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, कभी ना बेटा। अल्लाह की यही मर्जी थी, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है, अल्लाह की यही रजा थी। पूरिया और मिनल ने मुझ पर कितना एतबार किया था और समरीन आंटी को मेरे साथ भेजा था। हाँ, उन बच्चों पे तो गम का पहाड़ टूट गया, बहुत बुरा हुआ। काश मैं हुरिया की बात ना मानता, काश के समरीन आंटी मेरे साथ ही नहीं गई होती तो ये सब नहीं हुआ होता। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं बेटा, जाने वालों को मगफरत की दुआ की जरूरत होती है, तुम उनके लिए दुआ कर दो, अल्लाह पाक समरीन के दर्जात बुलंद करे और बच्चियों को सब्र अता करे। अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस होता है बेटा, हमें हर हाल में अल्लाह की रजा के साथ राजी रहना है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरी माँ ने सारी जिंदगी सिर्फ दुख देखे, यही दुख सहते सहते इस दुनिया से चली गई। हमेशा हमेशा के लिए, कभी वापस ना आने के लिए। मुझे यकीन नहीं यार, लगता है कोई कोई भयानक ख्वाब देख रही। मत करो रिया, हिम्मत करो, समरीन चाची के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, मेरा भी रिश्ता था उनसे। किसने मारे मेरी माँ को, किसने मारे? वहां भी पुलिस आई थी, हादसे वाली जगह से कोई ना कोई शवाहद तो मिले होंगे, मुझे मुझे नहीं लगता कि चोरों ने उन्हें मारे, चोर क्यों मारेंगे? कुछ पता चला होगा ना पुलिस वालों को, मुझे बताओ क्या पता चले? नहीं पता चला है बुरिया, पुलिस है ना, तब कोशिश कर रही है। जब भी मेरे माँ के कातिलों का पता चले, पलाश एक बार मेरी माँ के कातिलों को मेरे सामने लाना, ऐसी सजा दूंगी सारी जिंदगी वो भी तड़पेंगे। सजना मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, सजना।